सो दोस्तों, आज आपके सामने खड़ी हुई है 125 सेगमेंट की ऐसी बाइक जिसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है। आपके सामने खड़ी हुई है बजाज पल्सर NS125 का ऑरेंज वाला कलर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। बाकी इसके प्राइसिंग के बारे में आज बात करेंगे, एक माइलेज के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इसमें आपको फीचर देखने को मिलते हैं, सारी की सारी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं इसी के बारे में। और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटो ट्रक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले अगर इसके फ्रंट के लुक को देखते हैं और यहाँ से साइड वाइज देखते हैं तो 125 cc सेगमेंट के हिसाब से जो आपको लुक मिलती है वो काफ़ी शानदार मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट के लुक को और आपको ये मल्टीपल कलर्स में देखने को मिलती है। ये इसका है ऑरेंज वाला कलर, आप देख सकते हैं। फ्रंट की सेक्शन की बात करिए हेडलाइट यूनिट की, तो यहाँ पर आपको पूरा हेलोजन सेक्टर देखने को मिल जाता है। हाई बीम लो बीम पूरा आपको हेलोजन मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर, जो कि अपने थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी नंबर लग जाएगी मेटल में। टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन मिल जाते हैं और इसमें मिलते हैं क्रैश गार्ड और यहाँ पर रेडिएटर नहीं है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर खाली ही अपने देख रखा है इस डिज़ाइन में, यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर मिल जाता है। इंजन काउल आप यहाँ से देख सकते हैं 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। 5 gearbox सिस्टम मिल जाता है और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करी जाए तो 240 mm की फ्रंट में डिस्क है। और टायर सेक्शन की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है इसमें 80x100 सेक्शन का टायर मिल जाएगा। 17 inches के कुछ हिस्से के अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, जो कि अपना सिल्वर टाइप में दे रखे हैं। यहाँ पर ऑरेंज कलर की यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिलती है, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। मडगार्ड के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है कार्बन फाइबर का डिजाइन। बाकी जो इसके फ्रंट के हेडलाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पायलट लैंप मिलेंगे छोटे छोटे, जो कि हैलोजन बेस के देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट का जो डिज़ाइन है थोड़ा काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है आपको वैसे भी। और यहाँ पर ऑरेंज कलर के देखने को मिलते हैं ग्राफिक्स, उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम आप देख लिए। टैंक अगर दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इसका देखने में, यहाँ पर आपको पल्सर का 3D में क्रोम में लोगो है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पूरा नेकेड सा डिज़ाइन पूरा मिलेगा ओवरऑल। और यहाँ पर 125 की स्टिकरिंग है वाइट में, आप देख सकते हैं। और E20 की बैजिंग है, यानी कि ये बाइक फ्लेक्स फ्यूल से चलने के लिए रेडी है। टैंक पैड मिल जाता है जो कि रबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टैंक, ये जो आपको टैंक देखने को मिल रहा है, ये फायर बॉडी का ओवरऑल मिलने वाला है। यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग, चेसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रबर थोड़ा सा मिल जाता है, यहाँ पर जाली टाइप में डिज़ाइन है। सीट काउल के ऊपर में यहाँ पर आपको रेड ऑरेंज मिल जाता है, वही वाइट है और ब्लैक देखने को मिलता है। यहाँ पर NS125 की बैजिंग है, आपको ग्रेविल मिल जाती है स्पीड में। यहाँ पर ऑरेंज है और इसको टेल लाइट है, ये आपको LED बेस मिलती है। बाकी यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी और जो इसका मडगार्ड है कुछ इसी का मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर एक यहाँ पर आपको टायर अगर एक मड फ्लैप मिलता है, मेटल में एक साड़ी कार्ड मिल जाता है, ओपन में चेनसेट कवर मिलता है, 130 mm की रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आपको मोनोशॉक मिलता है रियर में रेड कलर का। टायर प्रोफाइल की बात करी जाए अगर तो आपको मिलने वाली है इसमें 100x90 सेक्शन के टायर मिलेगा, 17 inches के अलॉय व्हील मिलने वाले हैं जो कि सेम है। एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं, इनकी क्वालिटी आपको काफ़ी सही मिलती है, ब्लैक में है। अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, 125 cc सेगमेंट के हिसाब से अंडरबेली वाला एग्जॉस्ट मिल जाता है, तो लुक काफ़ी इनहेंस है, मैं बता सकता हूँ आपको। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है किक और स्पीड मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड्स वगैरह, यहाँ रियर बैक का पैड मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग है। इसके साइड मिरर का डिज़ाइन आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड मिरर का डिज़ाइन इसका कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको स्पोर्टी वाली बार हैंडल मिलती है, क्लिपॉन वाली आप देख सकते हैं। स्विचेस की बात करिए, पासिंग का स्विच मिलेगा, हाई विंडो भी मैं इंडिकेटर हॉर्न है, इंजन के शेल में फ्रंट में का लीवर है, क्लच का लीवर भी काफ़ी सही, ज़्यादा हार्ड नहीं आपको मिलेगा, नॉर्मल है। बाकी की बात करिए, नॉर्मल सी की मिलती है, वेब कीज वगैरह नहीं मिलेंगी, नॉर्मल की मिलेंगी आपको। उसमें लगाते हैं फिर आपको पहले इसका मीटर कंसोल जो है वो चेकआउट वगैरह करा देते हैं। तो जो मीटर कंसोल है आपको सेमी डिजिटल देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देखते हैं RPM मीटर देखने को मिल रहा है वैसे ही। और यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर है, बैटरी वोल्टेज मिलता है, चेक इंजन, बजाज की लाइट मिलेगी। और इस साइड पर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर है, GT देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज भी देखने को मिलने वाला है, RPM लाइट मिलेगी। बाकी इससे आप यहाँ से इसके ट्रिप मीटर और ओडोमीटर को एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि मीटर काफ़ी सही मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, 125 सेगमेंट के हिसाब से लुक्स तो काफ़ी सही है, इंजन के बारे में बात करते हैं कैसा आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 124.45 cc का एयर कूल्ड 4-स्टॉक इंजन, जिसके पावर की बात करी जाए 11.99 PS की मैक्सिमम पावर रिलीज करता है 8500 RPM पर। बाकी 11 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है 7000 RPM पर, यानी कि जो पावर फिगर है ये काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है 125 cc सेगमेंट के हिसाब से। तो बात करिए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको 12 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, 805 mm की सीट हाइट मिल जाती है, स्पीड सीट्स मिल जाती हैं, कंफर्ट आपको काफ़ी सही देखने को मिलने वाला है और 179 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल ही रही है। प्राइसिंग के बारे में बात करिए तो आपको मिलने वाली है, तो ये आपको देखने को मिलने वाली है 1,24,418 rupees की, यानी कि 1,26,418 rupees इसका आपको देखने को मिल जाता है। एक शोरूम RTL शोरूम साथ में कानपुर उत्तर प्रदेश में। बाकी शोरूम एड्रेस के बारे में बात करिए तो आपका सोसाइटी बजाज है, इसका एड्रेस इस पर भी मेंशन हो रहा होगा। यहाँ से आप आके कोई भी अपना बजाज का प्रोडक्ट वगैरह बाय कर सकते हैं और
बाकी कुछ है इसके ओवरऑल वीडियो। अगर आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।